मामला ये जुड़ा हुआ है, इंटरनेशनल लेवल से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे हालात में हर अधिकारी फूक फूक के कदम रखता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई कोई गलत स्टेप उठ जाए और उनके लिए परेशानी पैदा कर दे। तो सारी बात देखनी पड़ती है, चूंकि तजुर्बा है काफी, तो समय लगेगा, हो जाएगा, काम हो जाएगा। जब से मोमिन मलिक जी अपने गुलाम हैदर के वकील हैं, तो जब से आए हैं तो इन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किया। देखो ये नहीं कि मैं पीछे से किसी, कभी भी नहीं कहूंगा कि इन्होंने बहुत ही अपने, जब से सुबह मेरे ख्याल से मैं कहूंगा कि भाई मेरे ख्याल से 7-8 बजे निकलते हैं, पता नहीं खाना खाते हैं नहीं खाते हैं, जब से बहुत ही ये बहुत ही बिजी हो गए हैं, तेजी से इस कार्य को बहुत तेजी से कर रहे हैं। हाँ जी सूर्य वर्मा जी, जी भैया जी, इनको चारों तरफ से घेरना कानूनी तरीके से, आप देख रहे हैं इनको समझ नहीं पाएंगे ये, अब तक तो आपका नोटिस जो है वो भेजा था एपी सिंह को 5 करोड़ रुपए का, सीमा को 3 करोड़ रुपए का और सेशन को, तो उसपे उसका टाइम कितना रह रहा है, इनको जवाब जमा करवाना है उसपे, कोई इन्होंने इम्प्लीमेंट किया अभी तक जवाब दाखिल किया इन्होंने? उसमें टाइम है, उसके अलावा बहुत सारा कानूनी काम है, अभी आप देखते जाओ, रोज कुछ ना कुछ नया नया होगा, आप देखते जाओ, इनको कानूनी रूप से बस हम छोड़ेंगे नहीं किसी भी रूप में, इनको जेल भिजवा के दम लेंगे। बिल्कुल भाई, मैं भैया की बात से सहमत हूँ, मैं जितनी इसमें मेहनत कर सकता हूँ कर रहा हूँ, जितनी कर सकता हूँ और जितना कानूनी दिमाग मैं यूज कर सकता हूँ उससे कई गुना ज्यादा मैं कानूनी दिमाग इसके अंदर यूज कर रहा हूँ। तो अब चूंकि ये बीमारी ज्यादा बड़ी हो गई है और सीमा ने इंटरनेट के माध्यम से, सीमा ने मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से नाच नाच के, एक्टिंग करके, ड्रामेबाजी करके, एक जो गुलाम हैदर का कंसेप्ट है वो बहुत ही गलत लोगों के दिल में डाल दिया था। अब उस कंसेप्ट को सुन रहे हैं, अब उस कंसेप्ट को जो सीमा हैदर ने गुलाम के बारे में भारत के लोगों के दिल में या भारतीय मीडिया में या इंटरनेशनल मीडिया में जो कंसेप्ट खराब कर दिया था, उसको जो है ठीक करने में समय लगा है। तो वो अभी अब जो नजरिया है वो बदल गया है, कि जो FIR दर्ज करने की, क्योंकि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की इस पे, तो हमने वो कार्रवाई भी कोर्ट के जरिए से कर रखी है, तो हो सकता है उसमें कल भी सुनवाई हो सकती है, परसों भी हो सकती है। सारी चीजें जो कानूनी जितने भी दाव पेच है, जितनी भी हमने अब तक कार्रवाई की है, जितनी भी एप्लीकेशन दी है, वो सारी चीज, जितनी भी एप्लीकेशन दी है, जितने भी हमने रिप्रेजेंटेशन दी है और उन पे अमल नहीं हुआ है, उनको अमल कराने के लिए हमने कानूनी रूप से हर चीज तैयार कर रखी है। तो FIR तो हो सकता है कल सुनवाई हो जाए या परसों हो जाए, इनका पीछा हम छोड़ने वाला नहीं है, चारों तरफ से इनको घेरेंगे और इनको जेल करा के छुपेंगे। हमने अपनी पहले फील्ड को मजबूत किया है, उसके बाद फिर हमने अपनी अब कानूनी शुरुआत, कानूनी जो कोर्ट के जरिए से जो कार्रवाई है वो अभी हमने शुरू की है। उससे पहले तो हम अपने आप को सारे सबूत हमने लिए हैं, सारे नोयत हमने चेक करी है, सारी एविडेंस हमने कलेक्ट करी है, फील्ड में काम किया है, हर चीज को पता लगाया है, कोई चीज झूठ ना हो जाए, हर एक एक चीज को A to Z पॉइंट बाई पॉइंट -1.1 से लेकर के और हमने +1.1 तक हर चीज को इसमें गौर किया है। और उसको गौर करने के बाद हमने कानूनी रूप से सारे केसेस तैयार करके रख लिए हैं और स्टेप बाय स्टेप उन सारे केसेस को डाला जाएगा। एक अदालत नहीं सुनती तो उसके बाद उसकी अपील की जाएगी, वो नहीं सुनती तो सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को जारी रखा जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बयानात जारी करना, जो दो डिफरेंट कम्युनिटी के अंदर आपस में दिलों के अंदर खटास पैदा कर दे, उनके अंदर लड़ाई पैदा हो जाए, उनके अंदर सामूहिक कम्युनल राइट्स पैदा हो जाए हिंदुओं में, मुसलमानों में, क्योंकि ये इस प्रकार की स्टेटमेंट और कंडक्ट, एक्ट ऑफ कंडक्ट मीडिया पे कर रही है जिससे मुसलमान भी चिढ़ जाएंगे भारत के और हिंदू भी चिढ़ जाएंगे। तो वहां पर दो कम्युनल
कम्युनिटी में डिफरेंट कम्युनिटी में राइट्स हो सकते हैं इसकी वजह से, इसके बयान की वजह से वहां सेक्शन 153A लगती है। उसके बाद हमने सेक्शन 195 लगाई। 195 किसी भी झूठे प्रूफ को, एविडेंस को, किसी भी झूठे एविडेंस को यूज करना, जैसे कि बीवी गुलाम की है बता रहे, और आप कह रही है मैं सचिन की हूं तलाक, और वो कह, जब जमानत ली तो कह रही थी मैं उसकी बीवी हूं, वहां पर झूठे एविडेंस को बनाना, वो सेक्शन 195। उसके अलावा 196 किसी भी प्रकार को फॉल्स फैब्रिकेशन करना, यानी के अपने आप को फायदा लेने के लिए किसी भी चीज को फर्जी रूप से अपनी मर्जी से मनगढ़ंत करना, 196 सेक्शन। उसके अलावा 197 सेक्शन आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, किसी भी झूठे कागज को, प्रमाण को पेश करना। उसके अलावा 199 आईपीसी, किसी कोर्ट में या पुलिस अधिकारी के सामने या किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के सामने अपनी बात झूठ के बेसिस पर रखना, कोई झूठ उनके सामने पहुंचना, कोई गलत डॉक्यूमेंट देना, वो 199 में आता है। उसके अलावा सेक्शन 201, सच्चाई को तोड़ फोड़ करके छुपाना और असली जो सबूत है उसको छुपाना, जैसे इसने बताया कि मैंने शादी की सचिन से और यह गुलाम की वाइफ बन गई, बेल लेते हो, और दूसरे जितने भी जरूरी कागजात है वो इसने छुपाए, तो एविडेंस को छुपाना, हिडन करना कानून की नजर से बचने के लिए वो सेक्शन 201। उसके अलावा सेक्शन 205, कोई ऐसा काम करना जिससे किसी को चिढ़ पैदा हो जाए, किसी के अंदर आपके प्रति नफरत हो जाए। अब ये सोशल मीडिया पे अपने शोहर को, गुलाम हैदर को ऐसे ऐसे काम करके कि मैं तो सचिन की वाइफ हूँ, मैं तो फला की वाइफ हूँ, उसको चिढ़ा रही है, उसको एक्साइट कर रही है, उसको भड़का रही है, तो वहां पर सेक्शन 205 आता है। उसके अलावा सेक्शन 209, किसी भी प्रकार का फ्रॉड कार्य करना और डिसऑनेस्टी से, बेईमानी से उसका प्रयोग करना, उसको प्रयोग करना किसी भी डॉक्यूमेंट का, तो एफिडेविट है, बिल एप्लीकेशन है, सबके अंदर इसने उन फर्जी डॉक्यूमेंट्स को यूज किया है।